हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। जो अपनी बैक वीडियो थी उसमें अपन ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसमें अपन नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो अपना 4th क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है कि कोई एक टावर है, जैसे कि इस फिगर में मैंने ले रखा है, ये जो ए से बी है ये मेरे पास एक क्या है, टावर है। उसके बाद कहता है तो ये भी क्या हो गई आपके पास, हाइट हो गई किसकी, टावर की, हाइट ऑफ टावर। भाई टावर की जो अपनी हाइट है उसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है, मालूम नहीं है ये मैंने मान ली, एच मीटर है ये मेरे पास, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रखा है आपको, कहता है ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जैसे कि ये सी पे कोई सी, ये जो पॉइंट हो गया ग्राउंड पे, यहाँ से जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो आपको हाइट बतानी है किसकी, टावर की। तो देखो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे क्या करोगे भाई, मेरे को ये पता है कि जो मेरा एंगल है कौन सा, ए सी बी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो मैं इस ट्रायंगल में चलूँगा, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी। और आपको एक चीज़ बताई थी कि एक तो अपने को रेशियो लेना है जो वैल्यू अपने को निकालनी है, दूसरा अपने को रेशियो लेना है जो चीज़ अपने को दी हुई है, बी सी। अब देखो ए बी है ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, और बी सी किसका काम कर रही है, बेस का। और परपेंडिकुलर अपोन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन बेस होता है आपके पास क्या, टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास टेन थीटा। अब ए बी मेरे को एच मालूम है, ये मेरे को 30 पता है, और टेन 30 कितना, यहाँ पे आ गया टेन 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह। तो एच अपोन 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ आएगा, तो एच की वैल्यू आ गई 30/√3। और सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व आउट करोगे, रेशलाइजेशन करके, रेशलाइजेशन करवा देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, सोल्व करेंगे तो 30√3/3 सोल्व किया तो ये कितने पे कट गया, 10 पे। तो अपने आंसर क्या आ गए, जो एच की वैल्यू वो आ गई 10√3, जो कि इस क्वेश्चन में अपने से पूछा था, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है ये टावर की, ये है 10√3 मीटर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है काइट फ्लाइट एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। अब देखो काइट जब भी अपन ने ऑब्जर्व की है तो काइट की जो हाइट है वो कैसे मेजर करेंगे, काइट की जो हाइट है अपन ऐसे मेजर करेंगे, तो ए से बी, जैसे कि मान लो यहाँ पे काइट उड़ रही है, तो ये कितने हाइट पे उड़ रही है, ये आपके हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्ट्रिंग अटैच एट द काइट टेम्परेली पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो ये मैंने क्या मान लिया, कोई टेम्परेली पॉइंट है ग्राउंड पे, और इससे इसका जो स्ट्रिंग है मतलब इसकी जो डोरी है वो क्या है, अटैच है, ठीक है। उसके बाद कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टेटिंग ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो बना रही है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन से पूछा है कि आपको क्या बतानी है, ये जो स्ट्रिंग है ना इसकी आपको क्या बतानी है, इसकी आपको लेंथ बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले तो क्या है मेरे पास, ए बी है, क्या है वो, हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट कितनी है ये, 60 मीटर, ठीक है। और जो मेरे पास बी से सी है वो क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसकी लेंथ है ये, स्ट्रिंग की, ठीक है, डोरी की लंबाई की। अब देखो मेरे को एंगल है, एंगल ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। अब मैंने आपको एक ही चीज़ बताया था, इस चैप्टर में जब भी आप सोल्व करो तो आपको क्या क्या करना है, एक तो वो साइड लेके चलनी है जो अपने को गिवन है, और एक अपने को क्या लेना है, जो अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो मेरे को गिवन क्या है, गिवन तो मेरे को था ए बी, ठीक है, और निकालना क्या है मेरे को, फाइंड आउट करना है बी सी। ए बी देखो मेरे पास परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये कर रही है हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। एंगल है कितना आपके पास, थीटा आपके पास है 60 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60। अब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो ए बी की वैल्यू मेरे पास है 60, ठीक है, बी सी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, और टेन 60 होता है √3/2। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या आएगा, 120√3 BC। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो अपन क्या कर सकते हैं, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो अपने पास क्या आया था, अपने पास आया था 120 √3 BC। अब एक बात बताओ, जो ये √3 है ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये डिवाइड में जाएगा तो BC, रेशलाइजेशन करवा देते हैं,
रेशलाइजेशन करवाएंगे तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई, रूट थ्री से डिवाइड, सोल आउट करोगे तो 120 रूट थ्री अपोन में थ्री, सोल किया तो कितने पर 40 पे, तो आंसर कितना आ गया 40 रूट थ्री। और यही आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड आउट करवा रहा था कि जो ये स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है उसकी लंबाई बताओ, तो कितनी आ गई अपने पास, ये आ गई 40 रूट थ्री। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, ए 1.2 मीटर बॉय। अब देखो मैंने ये बना लिया एक ए से बी कितना है 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है, स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या कर रहा है कि ये मैंने मान लिया सी से लेके डी है, ठीक है, कितने मीटर की बिल्डिंग है ये, 30 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से, 30 मीटर हाइट बिल्डिंग से ये क्या है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो वो डिस्टेंस का नाम क्या हो गया, उस डिस्टेंस का नाम हो गया ए सी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आइज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग 30 to 60 degree। अब देखो सबसे पहले तो ये जो ए सी है, और अगर मैं यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल और इसका नाम मान लूँ बी ई, तो ये बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और जब अब ये कहता है क्वेश्चन में कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है इंक्रीज हो जाता है कब, जब वो टूवर्ड वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, अगर ये बंदा बिल्डिंग की तरफ चलेगा, तो मान के चलो ये बिल्डिंग की तरफ चल रहा है और यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसका नाम मैंने रख लिया पी और क्यू, ये यहाँ तक आ गया, और जब ये बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इस लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, सबसे पहले तो ये जो ए बी है, ये लड़के की हाइट है, ये और ये इक्वल होगी नहीं होगी, और ये भी कितनी होगी, इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये पता, ये टोटल कितना है, ये टोटल है मेरे पास यहाँ से डी से लेके सी तक, तो डी से लेके सी के मैं इसको लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई सी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, मेरे को ये पता है ये टोटल तो है 30, ठीक है, डी ई अपने को मालूम नहीं, लेकिन ये तो पता है ये जब लड़के की हाइट है तो 1.5 है, और ये प्लस का 1.5 इधर आके माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28.5, ठीक है। तो ये जो ऊपर ऊपर वाली डिस्टेंस है ये कितनी अपने पास 28.5, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले तो जो आपने अज्यूम किया है उनको डिफाइन कर दो। तो आपने क्या क्या अज्यूम किया था, आपने लिए थी ए से लेके बी, तो आपने माना है हाइट हाइट ऑफ बॉय, जो ये लड़का है हाइट ऑफ बॉय, इसकी क्या है हाइट है कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। और सी से डी अपन ने क्या मानी थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, ये 30 मीटर, ठीक है, ये दो ही चीज़ें माननी है। उसके बाद देखो जो ये ए बी है यही बराबर बी के होगा और यही बराबर सी ई होगा, तो ए बी किस किस के बराबर है, पी के ओ के बराबर है, और यही किसके बराबर है, यही बराबर है आपके किसके, ये आपके बराबर है सी से ई तक, ठीक है। और देखो दो आपने एंगल निकालने हैं, कौन कौन से एंगल है, एंगल हो गया एक तो एंगल ई क्यू डी, एंगल ई क्यू डी ये तो आपका 60 डिग्री आया है, और दूसरा एंगल ई बी डी, ई बी ये आपका 30 डिग्री आया है। और जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, ये कितनी डिस्टेंस कवर करी है बी से लेके क्यू, तो बी क्यू क्या आ गई डिस्टेंस कवर बाय बॉय, जो ये लड़का है ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब एक बात बताओ, देखो अपने को ये चीज़ें निकालनी है, कैसे लेंगे, अगर मैं ये बड़ी वाली कंप्लीट ट्रायंगल लेता हूँ, ये जो मेरे पास कंप्लीट ट्रायंगल, अगर मैं इसको ले लेता हूँ इस कंप्लीट ट्रायंगल को, तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं ये पूरी साइड निकाल सकता हूँ बी से ई, तो मैं चलता हूँ किसके अंदर, मैं चलता हूँ इन ट्रायंगल, जो मेरी कंप्लीट ट्रायंगल है उसका क्या नाम है बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है। अब देखो आपको गिवन क्या है, आपको पास गिवन है डी ई, और अपन निकाल के रहे हैं ई से बी, तो अपन लिख सकते हैं डी ई अपॉन ई से बी। अब देखो डी ई परपेंडिकुलर का काम कर रही है, ये बेस का काम कर रही है, क्या मिल गया टैन थीटा, और क्वेश्चन में देखो थीटा कितना है, ये 30 डिग्री है, इसका मतलब डी ई कितना था अपने पास 28.5,
ई से बी इज इक्वल टू, ये कितना है टेन थर्टी, टेन थर्टी, और टेन थर्टी कितना होगा, टेन थर्टी आपके पास होगा वन बाय रूट थ्री। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 28.5 रूट थ्री इज इक्वल टू ई से बी, फर्स्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या निकाल लिया, मैंने ये निकाल लिया ई से लेके बी तक। अब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, छोटे वाला ट्रायंगल। तो मैं चला जाता हूँ इन ट्रायंगल डी ई क्यू, इन ट्रायंगल चला जाता हूँ इन ट्रायंगल डी ई क्यू, ठीक है, जो ट्रायंगल मेरी डी ई क्यू है, डी ई क्यू, डी ई अपोन में ई क्यू, क्या आया डी ई अपोन में ई क्यू, परपेंडिकुलर अपोन बेस 10, लेकिन इस बार कितना 60, ये आ गई 28.5। ई क्यू तुम लोग निकाल रहे हो और टेन 60 हो गया रूट थ्री। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 28.5 रूट थ्री इंटू ई क्यू हो जाएगा, ठीक है, और अगर अपने को ई क्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो ये आ गया 28.5 अपॉन में रूट थ्री, ये आ गई सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अपने पास दो इक्वेशन आ गई, अपने को कहाँ तक जाना था, अपने को बी क्यू निकालना था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो बी से ई है, जो बी से ई है मेरे पास, बी से लेके ई, उसको लिख सकता हूँ बी से क्यू और क्यू से ई, ठीक है, यही बात है। और अपने को तो चाहिए क्या, अपने को चाहिए, अपने को निकालनी है वैल्यू किसकी, अपने को वैल्यू निकालनी है बी क्यू की, तो मैंने क्या लिख लिया बी ई माइनस ओ क्यू। अब देखो बी ई, बी ई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना आया था 28.5 रूट थ्री माइनस माइनस ई क्यू, अभी अपन ने निकाला है वो कितना है 28.5 अपॉन रूट थ्री, और ये वैल्यू आ गई बी क्यू की। अब एक देखो यहाँ से अपने पास 28.5 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालेंगे तो रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू आ गई बी क्यू की। अगर इन दोनों का एलसीएम लूँगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया रूट थ्री, तो 28.5 ब्रैकेट रूट थ्री एलसीएम, रूट थ्री को रूट थ्री से करोगे थ्री माइनस वन, ये आ गई किसकी वैल्यू बी क्यू की। अब देखो 28.5 मल्टीप्लाई टू अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू है बी क्यू की, इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना हो गया 5 2 10 16 और एक 70 4 और 5 अपॉन में रूट थ्री किसकी वैल्यू हो गई बी क्यू की, और सोल्व किया तो 57 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री डिवाइड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू बी क्यू। सोल्व करोगे तो कितना आ गया 57 रूट थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू बी क्यू, और सोल्व किया इससे तो 3 1 3 3 तो ये आ गए 19 रूट थ्री बी क्यू। ठीक है, तो लड़के ने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, लड़के ने डिस्टेंस कवर की थी 19 रूट थ्री मीटर की, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना था, और फिगर बनने के बाद तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाते। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। देखो एक बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर, तो पहला काम तो आपका क्या है, बिल्डिंग को डिफाइन करना। तो ये मैंने मान लिया कि ए से बी मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट इसने दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, तो ए से बी तो आपके पास आ गई हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि जो इस बिल्डिंग की हाइट है ना, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लग रहा है, तो ये मैंने लगा दिया पॉइंट बी से सी तक, क्या हो गई हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, जो कि मालूम नहीं, ये मैंने एच मान ली, तो बी से सी क्या आ गई हाइट ऑफ किसकी है, टावर की, टावर की हाइट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है एंगल ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा था फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अब देखो ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ये डी अपन ने पॉइंट मान लिया ग्राउंड पे,
ठीक है, ये इसके साथ ओरिजेंटल लाइन हो गई। अब कहता है ट्रांसमिशन टावर के टॉप टॉप का मतलब तो हो गया जो ये पॉइंट ही है, इससे तो एंगल बता रहा है वो खुद 60 डिग्री, ठीक है। और कहता है इसका जो बॉटम है, बॉटम का मतलब जहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एंगल बता रहा है 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये जो टावर है ना, इसकी आपको क्या बतानी है, आपको टावर की हाइट बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, पहले तो एंगल डिफाइन कर लेते हैं। एंगल ए डी बी कितना है, 45 डिग्री। और जो मेरा एंगल है, क्या नाम है उसका, ए डी सी, यह है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैं कैसे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलूँगा इतना इतना, और इसके अंदर मेरे को ये 20 पता है, तो मैं ये वाली साइड इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं चला गया सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो अपन चले गए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए, दूसरा नाम क्या है, बी ओ डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अब देखो अपने को ए बी गिवन है, ए बी, और अपन निकाल क्या रहे हैं, ए डी। भाई ए बी तो गिवन है और ए डी मैं निकाल रहा हूँ। अब ए बी काम कर रहा है फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का, और ये बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया, टेन थीटा। और देखो छोटे वाले केस में थीटा अपने पास 45 है, इसका मतलब ए बी है 20, ए डी मालूम नहीं, और ये हो गया टेन 45, और टेन 45 कितना होगा मेरे पास, 1। तो 20 अपॉन ए डी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या मिला अपने को, मिला जो ए डी है कितना होगा वो 20। अब अपने पास ये ए डी और आ गया, ठीक है, ये ए डी और आ गया जो कि कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। अब मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, ये वाला, इस बार चलते हैं ट्रायंगल ए सी डी, इस बार चल गए ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो इसके अंदर ए सी अपॉन सी डी, ए सी वही परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और ये बेस का, क्या मिल गया, 10। कितना डिग्री, इस बार है अपने पास थीटा 60 डिग्री, इसका मतलब ए सी मालूम नहीं, सी डी ए सी, अच्छा ट्रायंगल, देखो इस बार चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी, तो देखो क्या निकाल रहे हैं, ए सी अपोन में, अपोन में क्या लूँगा, ए डी, ए सी अपोन में ए डी। तो अब की बार चलेंगे ट्रायंगल ए सी डी के पास, इस ट्रायंगल के अंदर देखो क्या है, ए सी अपोन ए डी, परपेंडिकुलर अपोन बेस टेन थीटा हो गया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ए सी ये रहा, ए डी अपन ने फाइंड आउट किया कितना है, 20, और टेन कितना, 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर भाई ए सी की वैल्यू आ गई 20√3, ये मेरे पास दूसरा आ गया, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास बन गई, एक ये और एक ये। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो मेरा ए से लेके सी है वो मिलके बना है ए बी प्लस बी सी। तो अपन ने क्या, नाउ जो मेरा ए सी है वो किस किस से मिलके बना था, ए बी प्लस बी सी, ये आपने निकाला है 20√3। ए बी आपके पास था 20, और बी सी आपको क्या करना था, एच जो आपने फाइंड आउट करना था, प्लस का 20 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, और ये वैल्यू एच मान रखी आपने, 20 कॉमन लिया तो √3 - 1 आ गया एच, इसका मतलब 20√3 - 1 मीटर किसकी वैल्यू आ गई, एच की। और यही क्वेश्चन में आपसे इसने पूछा था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8